बुलढाणा शहरातील जलस्रोत मोकळे करण्याची मागणी. बुलढाणा शहरात धरणातून केल्या जाणाऱ्या पाणी पुरवठ्याव्यतिरिक्त शहरातील तलाव, विहिरी यांची साफसफाई करून हे जलस्रोत मोकळे करण्यात यावे अशी मागणी निवेदनाद्वारे नगरपालिका मुख्याधिकारी यांच्याकडे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या येळगाव धरणात 36% जलसाठा उपलब्ध आहे, त्यामुळे येत्या काळात पावसाळा लांबणीवर गेल्यास पाणी टंचाई निर्माण होऊ शकते आणि अशा काळात शहरातील इतर स्रोत पाणी वापरासाठी उपयोगात येऊ शकतात. मात्र या स्रोतांची अतिशय दयनीय अवस्था झाली असून त्याची तत्काळ साफसफाई करण्यात यावी, विहिरींवर जाळी टाकण्यात यावी, त्याचबरोबर शहरातील बंद पडलेले हातपंप देखील सुरू करण्यात यावे अशी मागणी निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते केशव बेंडवाल यांच्या नेतृत्वात हे निवेदन देण्यात आले. आज हमने महोदय नगर परिषद मुख्याधिकारी साहब को निवेदन दिया है कि बुलढाणा शहर में जो मलकापुर रोड के पीछे मंगू महाराज की दुकान के पीछे जो तालाब है छत्रपति नगर में, उसकी साफ सफाई करनी चाहिए. उस तालाब में बहुत से झाड़ उग चुके हैं, वो तालाब जंगल जैसा हो चुका है. पहले जब वो तालाब अच्छा था तो उसमें पशु पक्षी जानवर पानी पीते थे, अभी वहाँ पर कोई नहीं आता. जल है जीवन है, पानी के बिना आदमी रह नहीं सकता. और पानी कब आएगा, बरसात होंगी कि नहीं होंगी, ये बताते नहीं आता है. तो इसलिए बुलढाणा शहर में जितने भी विहीर है, बावड़ी है, कुएं हैं, उनकी साफ सफाई होनी चाहिए और उनके ऊपर बालिक जाली लगानी चाहिए, क्योंकि उसमें लोग कचरा ना डाल सके. लोग उसमें कचरा डालते हैं और फिर वो कुएं का पानी सड़ता है, उससे रोगराई पसर सकती है. इसलिए इन कुओं की साफ सफाई होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए और